हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइंस इन अ सिंपल वे। जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसको प्रेस कर दें जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स उनको मिलती रहे। तो हम लोगों ने ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का दो पार्ट स्टडी कर लिया है। आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्वड इन द फील्ड लाइक एज कैनाल सिस्टम, ट्यूब वेल्स, वेल्स एक्सेट्रा, वेरियस सिस्टम्स आर इन्वॉल्वड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ड्रिप इरिगेशन एंड सेकंड वन इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। सो व्हाट इज द ड्रिप इरिगेशन? आप जान रहे हो ड्रिप मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप, मींस दोज टाइप ऑफ इरिगेशन इन विच द वाटर इज प्रोवाइडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द प्लांट्स। That type of irrigation is said to be drip irrigation. So, those irrigation in which the water is provided to the roots by drop by drop. So this type of system is known as drip irrigation. And what is sprinkler system? In which the water is spread in sprinkler form. Means जिस तरीके से fountain means फौहारे के रूप में पानी निकलता है उस टाइप। So those type of irrigation in which water is provided to the roots by sprinkler means fountain form known as स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इस तरीके का जो मेथड है दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये ड्रिप इरिगेशन कैसे वर्क करता है? इसमें एक पाइप के जरिए, इस तरीके का पाइप है और पाइप के जरिए छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं। इस पाइप सिस्टम को ऐसे प्लेस पर लगा दिया जाता है अब ये रूट सिस्टम है, ये मिट्टी है। अब यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाएगा और रूट्स को प्रोवाइड करेगा। इसी तरह यहां पर भी रूट्स है, यहां पर भी उसको मिलेगा। इस तरीके से प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मिलता है। तो दिस इज द पाइप सिस्टम, पाइप एंड दिस इज द हॉलो या सो
ड्रिप इरिगेशन से व्हाट इज द एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं इस ड्रिप इरिगेशन से, क्या फायदे? सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन? पहली बात तो आप जान लो कि डायरेक्ट वाटर जो प्रोवाइड हो रहा है वो रूट सिस्टम को हो रहा है, तो इससे एक फायदा ये हुआ कि जो वाटर का लॉस है वो बहुत ही कम हो गया। मींस एडवांटेज क्या है इसका? नंबर वन, द लॉस ऑफ वाटर नॉट टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ वाटर नहीं। दूसरी, इट प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ वाटर टू द रूट्स। तीसरी बात, सॉइल फर्टिलिटी खराब नहीं हो, इट नॉट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। फोर्थ एडवांटेज क्या है? फ्लड होने की कोई संभावना नहीं, देयर इज नो चांस ऑफ फ्लडिंग। इट स्टोर द ह्यूमस। So these are the advantages related to the drip irrigation. Means drip irrigation से plants को nutrition बहुत आराम से मिलेगा और water भी बहुत आराम से मिलेगा. There is no loss of humus or fertility of the soil. Similarly in case of sprinklers system, इसमें इस तरीके का नोजल होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं और ये रोटेट करता रहता है। इसके नीचे एक वाटर टैंक होता है, ये वाटर है और ये किसी सिस्टम से अटैच कर दिया जाता है। ये पूरे ऑल फोर डायरेक्शन में चारों तरफ ये घूमता रहता है, सभी डायरेक्शन ऑल ओवर डायरेक्शन में, इसकी वजह से ये इधर वाटर आता है बहुत हाई प्रेशर, वाटर इन हाई प्रेशर, जिससे कि वाटर सभी चारों दिशाओं में इधर उधर फैल जाता है, जिससे वाटर पूरी तरीके से अच्छे से प्लांट्स को मिल जाते हैं। अब इसका यूज ऐसे प्लेस पर किया जाता है जहां पर लॉस ऑफ, जहां पर वाटर की स्क्रेसिटी हो, जहां पर वाटर की कमी हो, ऐसे प्लेस में स्प्रिंकलर सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पानी धीरे धीरे प्लांट्स को पूरे स्थान पर पूरी तरीके से फैल जाती है। और इससे वो सब एडवांटेजेस हैं जिससे ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेजेस हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज फॉर मॉडर्न इरिगेशन। अच्छा, मॉडर्न इरिगेशन का यूज इतना ज्यादा क्यों है? इसका रीजन ये है कि हम जान रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई वी नीड टू सप्लाई द वाटर इन स्पेसिफिक अमाउंट एंड देयर इज द higher amount of crop production is necessary for living the human beings. So there is the more invented modern method for irrigation is the drip irrigation and sprinkler system. Now हम सब जानते हैं कि हम इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हम plants को provide कर सकते हैं water. लेकिन जैसे natural तरीके से तो rain water उनको मिलता है। अब रेन वाटर हर टाइम तो मिल नहीं सकता क्योंकि बारिश तो एक निश्चित टाइम पर ही होती है। तो अब रेन वाटर को अगर हम कंजर्व कर लें तो भी बहुत अच्छा, जो वाटर की लेवल है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। अब कैसे वाटर को कंजर्व करें, मींस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो दैट इज द रेन वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कंजर्वेशन। Conservation of rain water.
अब रेन वाटर को जहां पर वाटर की बहुत ज्यादा स्क्रेसिटी है, दैट्स रीजन इज मोर बेनिफिशियल बाय द रेन वाटर। हाउ द रेन वाटर इज कंजर्व्ड? फर्स्ट वन इज द टू प्रिपेयर द स्कैवेटेड चैम्बर, मीन हम गड्ढे खोद करके रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन वो रेन वाटर धीरे धीरे अर्थ में चला जाएगा जिससे कि वाटर टेबल जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन वो वाटर हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो केवल हमें प्लांट्स को मिलेंगे। हम उसको डायरेक्टली यूज कैसे कर सकते हैं? हम उसको एक सीमेंटेड चैम्बर बना सकते हैं जिसे रेन वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। क्या इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिन स्थानों पर वाटर की स्क्रेसिटी होती, रेन वाटर बहुत कम आता है, बहुत कम गिरता है, उस स्थानों पर हम चेक डैम्स का यूज करके हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब जहां से वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है वहां पर अगर हम चेक डैम बना दें, एक बहुत बड़ी दीवार कंक्रीट की बना दें, तो चारों तरफ से वो पानी का पूरा स्टोर हो जाएगा और जब भी हमें जरूरत होगी उस पानी को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर कंजर्वेशन से बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हैं और ऐसे प्लेस पर इसको बनाया जाता है जहां पर रेन वाटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, मींस जहां पर वाटर की स्क्रेसिटी बहुत ज्यादा हो उस स्थान पर रेन वाटर कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपडेटिंग द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।